दुनिया की पहली स्मार्ट ट्रेन जो पटरी पर नहीं बल्कि सड़क पर दौड़ेगी, जानिए खासियत। चीन की बुलेट ट्रेन काफी फेमस है। अब चीन ने ऐसी ट्रेन बनाई है जो बिना पटरी के चलेगी। जी हाँ, विश्वास नहीं हो रहा होगा ना आपको, पर हमेशा से कुछ नया करने वाले चीन ने अब वर्चुअल ट्रैक पर दौड़ने वाली ट्रेन बनाई। दुनिया की पहली स्मार्ट ट्रेन जो चीन ने चलाई है। खास बातें, चीन ने बनाई दुनिया की पहली स्मार्ट ट्रेन। इस ट्रेन में एक बार में 300 यात्री सफर कर सकते हैं। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह ट्रेन चलेगी। कुछ सालों में भारत को हाइपरलूप ट्रेन आने वाली है जो हवाई सफर से भी जल्दी पहुंचाएगी। स्पीड के मामले में ये बाकी ट्रेनों के मुकाबले कई ज्यादा होगी, लेकिन इन सबके पीछे पड़ोसी देश चाइना इससे कई आगे निकल चुका है। बता दें, चीन की बुलेट ट्रेन काफी फेमस है। अब चीन ने ऐसी ट्रेन बनाई है जो बिना पटरी के चलेगी। जी हाँ, विश्वास नहीं हो रहा होगा ना आपको, पर हमेशा से कुछ नया करने वाले चीन ने अब वर्चुअल ट्रैक पर दौड़ने वाली ट्रेन बनाई है। चीन इस ट्रेन को लेकर काफी उत्साहित है। प्रदूषण रहित है ये ट्रेन। बता दें, चीन प्रदूषण से काफी परेशान है, ऐसे में ये मेट्रो उनके लिए एकदम सटीक है। चीन रेल कॉरपोरेशन ने वर्ष 2013 में इस तरह की ट्रेन की डिजाइन बनाने की शुरुआत की थी। इस स्मार्ट ट्रेन को सबसे पहले तकरीबन 40 लाख के आबादी वाले झुझो प्रांत में चलाया जा रहा है। हालांकि बाद में कई अन्य शहरों में भी यह रेल सेवा शुरू की जा सकती। तारांकन इस ट्रेन में एक बार में 300 यात्री सफर कर सकते हैं। तारांकन 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह ट्रेन चलेगी। तारांकन इस ट्रेन को बस और ट्राम की तरह बनाया गया है। यह बस से अधिक यात्रियों को ले जा सकती है। तारांकन ट्रेन में 3 कोच दिए गए हैं। स्मार्ट ट्रेन के अंदर भी यात्री एक कोच से दूसरे कोच में जा सकते हैं। तारांकन 1 किलोमीटर की कॉस्ट 17 सेकंड 23 मिलियन यूरो है। तारांकन इस ट्रेन को चलाने के लिए सड़क के अंदर ही सेंसर फिट किए जाते हैं।